दादू की नाजुक तबीयत की वजह से चिराग नमन के साथ रहने को तैयार हो गया। सब एक साथ दादू के ही घर में शिफ्ट हो गए। नमन और चिराग के बीच कुछ खिंचाव जाहिर है देखने को मिली, लेकिन नमन ने चिराग के साथ अपनी शांति बनाए रखी। दादू इस बात से बहुत खुश थे। उन्होंने चिराग से नमन को एक मौका देने को कहा। हालांकि चिराग नमन की हरकतों को लेकर परेशान था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। इधर नमन वाकई एक छत के नीचे होने का फायदा उठाना चाहता था। चिराग जब दादू के पास बैठा हुआ था तो वो जानबूझकर तमन्ना के कमरे में घुस गया और उसे किस करने की जिद करने लगा। तमन्ना ने नमन को किस भी की, लेकिन तभी मामा जी ने देख लिया। रात को खाना वाना होने के बाद मामा जी और नमन अपने कमरे में चले गए। चिराग भी अपने कमरे में जाने लगा, तभी तमन्ना ने कहा, चिराग तुम जाओ, मैं जरा किचन में जाकर सिम्बा का दूध बना लेती हूँ। उसकी नींद का कोई भरोसा नहीं, कभी भी उठ जाएगा, काफी देर से सोया है ना इसलिए। चिराग ने कहा, हाँ हाँ जाओ। ये कहकर तमन्ना सीधे किचन की तरफ चली गई। वहाँ अंदर वो कैबिनेट से दूध का पैकेट निकालने लगी, लेकिन उसका हाथ ऊपर वाले शेफ तक पहुँच ही नहीं रहा था। वो चिढ़ते हुए बोली, ये कुक भी ना, कितनी बार कहा है जो सामान जहाँ है वहीं रहने दिया करो, लेकिन नहीं, हमेशा अपने मन की करनी है। तमन्ना अपनी एड़ियों पर उचक कर दूध का डिब्बा निकालने लगी। तभी ना जाने उसका बैलेंस कैसे बिगड़ गया और वो पीछे की तरफ गिरने लगी, लेकिन तभी किसी ने झट से उसकी कमर पकड़ ली। तमन्ना ने मुड़कर देखा तो वो नमन था। नमन तमन्ना की कमर पकड़े उसकी आंखों में गहराई से झांक रहा था। तमन्ना ने हड़बड़ाकर नमन को खुद से अलग किया और कहा, तुम तो अपने कमरे में चले गए थे, तो यहाँ क्या कर रहे हो। नमन उसे छेड़ते हुए बोला, तो मेरा कमरा यहाँ से कौन सा दिल्ली जितना दूर है, यूं समझो कि तुम्हारे बदन की खुशबू मुझे यहाँ खींच लाई। तमन्ना बोली, नमन चुप रहो और जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा। हम यहाँ आकर इतने भी फ्री नहीं हुए हैं कि कहीं भी बातें करने लग जाए। नमन ने फिर से तमन्ना की कमर पर अपना हाथ रख दिया और कहा, बातें कौन करने आया है, मैं तो अपना उधार किस लेने आया हूँ जो तुमने शाम को देने से मना कर दिया था। तमन्ना ने घबरा कर इधर उधर देखा और दबी आवाज में बोली, नमन तुम क्या हमारा सारा प्लान चौपट करना चाहते हो, प्लीज जाओ यहाँ से, वरना अगर चिराग ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, प्लीज जाओ यहाँ से। नमन बोला, ओफो तमन्ना, प्लान की चिंता तुम्हें सिर्फ अकेले को नहीं है, और चिराग को बर्बाद करने का इरादा तुमसे पहले मेरा था, इसलिए तुम उसकी टेंशन मत लो। और वैसे भी अभी चिराग यहाँ किचन में नहीं आने वाला, वो अपने कमरे में सिम्बा के पास बैठा है, तो चलो अब जल्दी से मुझे किस कर दो, फिर मैं चला जाऊंगा। तमन्ना का मन तो था, लेकिन बस वो डर रही थी कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन क्योंकि नमन ने जिद पकड़ ली थी इसलिए तमन्ना भी बात मान ही गई। वो मुस्कुरा कर उसके और करीब बढ़ी और प्यार भरी नजरों से उसे देखने लगी। नमन भी उठखेलियां करने में पीछे नहीं रहा, उसने भी बड़े प्यार से तमन्ना के चेहरे पर गिरी लट को उसके कानों पर अटकाते हुए कहा, अब और मत तड़पाओ, मुझसे रुका नहीं जा रहा। तमन्ना शरारती आंखों से नमन को एक टक से देखे जा रही थी और तभी वो बिल्कुल उसके होठों के एकदम करीब चली गई। दोनों के बीच में गिनकर एक आधा इंच का ही फासला होगा। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे की गर्दन को मोम की तरह पिघलाती जा रही थी। दोनों की इच्छाएं उफान पर थी और तभी तमन्ना ने आंखें बंद की और नमन के होठों को चूम लिया। दोनों एक दूसरे में बिल्कुल मग्न हो चुके थे कि तभी अचानक उन्हें ठीक किचन के बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। आवाज इतने पास की थी कि मानो दो तीन कदम में वो इंसान बिल्कुल किचन के अंदर ही पहुंच जाता। घबरा कर उनकी हालत बिल्कुल कांपती हुई भीगी बिल्ली की तरह हो गई थी और ठीक अगले ही पल चिराग किचन के दरवाजे पर आ चुका था। अंदर आया तो देखा तमन्ना जमीन पर गिरी हुई है और नमन बेलन लेकर दीवारों की तरफ देख रहा है। चिराग अपनी भौंहें सिकोड़े दोनों को देखने लगा। वो अंदर आया और तमन्ना के सामने खड़े होकर बोला, तमन्ना तुम तो सिम्बा के लिए दूध बनाने आई थी, फिर यहाँ जमीन पर लेट कर क्या कर रही हो। उसने नमन की तरफ भी देखा। नमन को वहाँ तमन्ना के साथ देख कर चिराग आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में बोला, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। नमन ने मजाक करते हुए बोला, दीवार पर रोटियां बेल रहा हूँ। नमन का ये मजाक चिराग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसकी चिड़चिड़ाहट उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी थी। नमन ने फिर हंसते हुए बोला, अरे दीवार पर दो तीन चिपकलियां थी यार,
वही भगा रहा हूँ। मैं दरअसल किचन में पानी की बॉटल लेने आया था, तभी मैंने देखा कि तमन्ना उन चिपकलियों के कारण घबरा रही है, तो बस उन्हें ही भगाने चला गया। चिराग की बहुएं अब भी तनी हुई थी। नमन ने बेलन चिराग को पकड़ाते हुए बोला, वैसे तो मैंने सारी चिपकलियों को भगा दिया है, लेकिन अगर फिर भी कोई दिखे तो भगा देना। ये बोलकर नमन वहाँ से चला गया। चिराग फिर भी लगातार उसे जाते हुए देख रहा था। उसके जाने के बाद अब अचानक उसका ध्यान अपने हाथ पर गया, तो चिराग ने देखा कि नमन उसके हाथ में बेलन पकड़ा गया। उसने तुरंत वो बेलन सामने स्लैब पर रख दी और अपना हाथ नीचे बैठी तमन्ना की तरफ बढ़ाया। तमन्ना उसका हाथ पकड़कर उठी और मन में बोली, हे भगवान, कहीं चिराग ने कुछ देख ना लिया हो। लेकिन अगर देख लेता तो उसे रिएक्ट करने में इतना टाइम नहीं लगता और अब तक तो मैं घर से बाहर होती। चिराग ने तमन्ना से फिर पूछा, ये नमन यहाँ क्या कर रहा था? तमन्ना ने हकलाते हुए कहा, बताया तो उसने कि ढेर सारी चिपकली थी इसलिए। चिराग ने फिर आगे पूछा, इसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश तो नहीं की ना? तमन्ना बोली, नहीं नहीं चिराग, नमन ने इस बार कुछ नहीं किया। मैंने तो तुमसे कहा ही था कि तुम्हारे रहते वो कुछ नहीं करेगा, इसकी इतनी हिम्मत ही नहीं होगी। चिराग तमन्ना की बातें सुन तो रहा था, लेकिन उसके मन की सकपकाहट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो तमन्ना की बातों पर भरोसा करना चाहता था, लेकिन पूरी तरह से उसे संतुष्टि नहीं मिल रही थी। चिराग ने तमन्ना को देखकर पूछा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? तमन्ना बोली, नहीं नहीं चिराग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम इतना परेशान मत हो और अब जरा मुझे दूध उतारने दो। तमन्ना गैस से दूध उतारते उतारते सोचने लगी, आज तो बाल बाल बच गई, वरना अगर चिराग ने एक झलक भी देख ली होती तो आज मेरा कल्याण हो जाता। मुझे इस बारे में नमन से सीरियसली बात करनी पड़ेगी। तमन्ना आगे आगे चलती रही और चिराग उसके पीछे पीछे। फिर दोनों किचन से बाहर निकल गए। अगले दिन सुबह चिराग ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तमन्ना ने वॉलेट, घड़ी, रुमाल सब सामने बेड पर ही रख दिया और वहीं बेड पर बैठ गई। जूते पहनने के बाद चिराग ने घड़ी लगाते हुए तमन्ना से कहा, तमन्ना सिम्बा का अच्छे से ख्याल रखना, और अगर नमन कोई बेहुदा हरकत करने की कोशिश करे, कोई हल्की सी भी लाइन क्रॉस करे, तो मुझे उसी वक्त मैसेज करना, समझी? तमन्ना बोली, समझ गई, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं वो नौबत ही नहीं आने दूंगी। चिराग ने अपना वॉलेट और रुमाल उठाया और तमन्ना के गाल पर किस करके रूम से निकल गया। चिराग के जाते ही तमन्ना ने हाथ से अपने गाल पोंछ लिए जहाँ चिराग ने उसे किस किया था। इधर नमन अपने कमरे में रूही से बातें कर रहा था, वो तो तमन्ना ने मुझे अचानक खुद से अलग कर दिया और इसी चक्कर में वो खुद भी जमीन पर गिर गई। फिर ना चाहते हुए भी मुझे चिपकली भगाने का नाटक करना पड़ा, वरना आज तो चिराग मुझे और तमन्ना को साथ देख ही लेता। रूही ने आगाह करते हुए नमन को कहा, नमन कुछ भी करो, लेकिन तमन्ना को उस सिचुएशन में डालो जहाँ वो कोई गलती करे और चिराग उसे नोटिस करे, वरना कहीं बहुत देर ना हो जाए। नमन ने पूछा, हाँ रूही, मैं ऑब्वियसली ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन तुम बताओ तुम्हारे उस अपील का क्या हुआ? तुम सिम्बा की कस्टडी अपने पास रखना चाहती थी ना? रूही बोली, बात तो की थी, लेकिन चिराग मुझे इतना ज्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल दिखा रहा है कि वो मेरे फेवर में फैसला देने को तैयार ही नहीं है, अब दोबारा अपील डालनी पड़ेगी। रूही की आवाज में काफी उदासी थी। उसने आगे कहा, कितना मन करता है मेरा सिम्बा को अपनी गोद में लेने का, उसे छूने का, लेकिन मुझे तो उसे देखे हुए भी वक्त हो गया है। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी अनलकी हूँ कि सब कुछ जानते हुए भी मुझे चुप रहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं उस सच्चाई को प्रूव ही नहीं कर सकती और यही बात मुझे मेरे बच्चे से दूर रख रही है। नमन ने रूही को दिलासा देते हुए कहा, हम कोशिश तो कर रहे हैं ना रूही, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने में नमन को किसी के आने की आवाज आई। नमन ने तुरंत फोन रख दिया। फोन रखते ही तमन्ना उसके कमरे में अंदर आ चुकी थी। उसने आते ही पूछा, क्या हुआ, तुम इतने हड़बड़ाए हुए क्यों लग रहे हो? नमन बोला, नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हें मेरे कमरे में आने की फुर्सत कैसे मिल गई? लगता है चिराग ऑफिस जा चुका है। तमन्ना उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोली, अच्छा अब ऐसे ताने तो मत मारो मुझे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं चाहती तुम्हारे पास रहना? लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए तुम्हें अपने आप से दूर रखती हूँ। नमन ने कहा, पर तुम्हें सामने देखकर मुझसे रहा नहीं जाता, लगता है तुम्हें अपनी बाहों में भरकर तुम्हें चूम लूं। तमन्ना मुस्कुराकर उसकी आंखों में देख रही थी, फिर अचानक बोली,
नमन, लेकिन ये खतरे से खाली नहीं है। और कल रात जो हुआ उसके बाद तो चिराग भी भौंए हर वक्त तुम पर चढ़ी ही रहती हैं। उसे अगर एक दो बार और एहसास हो गया तो उसकी गलत फहमी खत्म हो जाएगी और उसे यकीन हो जाएगा कि हमारे बीच कुछ तो गड़बड़ है। उसका ये शक हमें ले डूबेगा। नमन, समझो इस बात को। नमन तमन्ना की बात सुनकर सोच में पड़ गया और बोला, बात तो तुम सही कह रही हो। वैसे भी उसने हमें दो तीन बार साथ तो देख लिया है, इसीलिए उसके दिमाग में ये सवाल उठ सकते हैं। तमन्ना ने कहा, कुछ तो करना होगा जिससे उसका शक खत्म हो जाए। उसके दिमाग में ये आए ही ना कि मेरे और तुम्हारे बीच कुछ है, हमें उसे इस थॉट से निश्चिंत करना होगा। लेकिन कैसे? नमन सोचते सोचते कभी खिड़की के पास जाता तो कभी बिस्तर पर बैठ जाता, फिर उठकर वापस चलने लगता। और चलते चलते ही वो अचानक बोला, मेरे पास एक आइडिया है। तमन्ना ने पूछा, कैसा आइडिया? नमन बड़े संभले हुए टोन में बोला, क्यों ना मैं भी वही करूं जो तुमने किया है। तमन्ना ने कंफ्यूजन में पूछा, जो मैंने किया है मतलब? नमन साफ साफ बताओ ना। नमन ने कहा, क्यों ना मैं रूही को अपने प्यार के जाल में फंसा लूं। नमन की बात सुनकर तमन्ना के तो होश ही उड़ गए। उसका रिएक्शन तो ऐसा था जैसे उसके बदन में कोई हाई वोल्टेज बिजली का तार आकर लग गया हो। वो अपना सर नीचे किए हुए इधर से उधर छटपटाने लगे। नमन तुरंत उसके पास गया और उसे संभालने की कोशिश करते हुए बोला, तमन्ना क्या हुआ तुम्हें? तुम रूही का नाम सुनकर इतनी परेशान क्यों हो गई? इधर आओ, मेरे पास आओ, यहाँ बैठो। नमन ने उसे संभाल कर बिस्तर पर अपने साथ बिठाया। उसने तमन्ना को पानी का ग्लास पकड़ाते हुए कहा, अब शांत होकर मेरी बात सुनो। तमन्ना ने चौंक कर कहा, क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? तुम सुन भी रहे हो जो तुमने कहा? रूही को प्यार के जाल में फंसा लेता हूँ, मगर क्यों? ये बात आखिर तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? तभी नमन बोला, मैं अच्छे से जानता हूँ तमन्ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। तमन्ना गौर से नमन की तरफ देखने लगी। आखिर नमन ने ये प्लान क्यों बनाया और रूही को नमन के साथ देखकर चिराग की क्या हालत होगी? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताए और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंधाधुन इश्क सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तमन्ना जब किचन में थी तभी नमन वहां आया और उसे किस करने की जिद करने लगा। तमन्ना ने भी इस बार मना नहीं किया और उससे लिपट गई। इतने में वहां चिराग आ गया। इससे पहले कि चिराग देखता दोनों अलग हो गए, लेकिन चिराग के मन में खटपटाहट तो मच ही रही थी। चिराग ने नमन को खूब सुनाया। चिराग के ऑफिस जाने के बाद तमन्ना नमन के कमरे में आई। दोनों इस बारे में बात कर रहे थे कि चिराग के दिमाग में जो ये शक का बीज आ गया है उसे कैसे निकालना है। इतने पर नमन ने तमन्ना को उपाय सुझाते हुए कहा कि जैसे तमन्ना ने चिराग से शादी कर ली वैसे ही वो भी रूही को पटा लेगा। तमन्ना नमन की बात से एकदम बौखला गई थी। वो चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें पूरी दुनिया में इसके अलावा और कोई उपाय नहीं मिला नमन जिससे हम चिराग का अटेंशन डाइवर्ट कर पाए? इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हें सिर्फ एक रूही ही मिली पटाने को? बोलो। नमन ने शांत होकर कहा, मुझे पता था कि तुम मेरी बात सुनकर ऐसे ही भड़क जाओगी, इसीलिए पहले तुम मेरे पास बैठो। तमन्ना उसके पास बैठ गई। नमन ने कहा, देखो तमन्ना, मैंने रूही को पटाने का इसलिए कहा क्योंकि अगर चिराग मेरे साथ रूही को देखेगा तो उसका दिमाग बौखला जाएगा। आखिर थी तो वो उसकी पत्नी ही ना, और अब जब वापस उसके सामने उसके ही भाई की गर्लफ्रेंड बनकर आएगी तो सोचो उसकी क्या हालत होगी। सोचो कि वो कितना चीटेड महसूस करेगा। उसका सारा का सारा ध्यान सिर्फ इसी बात पर होगा कि रूही मेरे साथ क्यों है। उसका इस बात पर ध्यान ही नहीं जाएगा कि हमारे बीच भी कुछ चल रहा है। नमन की बात सुनकर तमन्ना थोड़ी सी कन्विंस तो लगने लगी थी। वो कुछ देर चुप होकर सोचती रही, फिर बोली, नमन तुमने ये प्लान तो बना लिया, चलो ठीक है, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि रूही तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों बनेगी? मतलब जो लड़की तुम्हें देखना तक नहीं चाहती, तुमसे नफरत करती है, जिसने एक बार को मुझे जेल से निकाल दिया मगर तुम्हारे बारे में सोचा तक नहीं, तो वो लड़की तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में क्यों आएगी? सच कहूं तो मुझे ये दूर दूर तक होता नजर नहीं आ रहा है। नमन ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा, तमन्ना तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? तमन्ना ने सोचते हुए कहा, हाँ।
नमन ने कहा, तो फिर तुम ये मुझ पर छोड़ दो। तमन्ना ने नमन से आगे कोई सवाल नहीं किया, करती भी क्या, नमन की इस बात में कोई पॉसिबिलिटी ही दिखाई नहीं दे रही थी। उसे ये कहीं से भी सच होता नहीं दिख रहा था, वो तो बस नमन की बात सुनकर हामी भर रही थी। तमन्ना के वहां से जाने के बाद नमन सीधा रूही से मिलने पहुंच गया। वहां पहुंचा तो रूही चुपचाप जानवी के घर बैठी हुई थी। नमन को सामने देखकर रूही ने पूछा, तुम अचानक यहाँ, बताओ क्या बात है? नमन ने सीधा कहा, तुम कह रही थी ना कि तुम्हें सिम्बा की बहुत याद आती है और तुम उसके पास रहना चाहती हो, उसे छूना चाहती हो। रूही ने कहा, हाँ तो? नमन ने कहा, तो इस बात को मुमकिन करने का मेरे पास एक प्लान है। रूही ने पूछा, कैसा प्लान? नमन ने समझाते हुए कहा, रूही देखो, चिराग को शायद कहीं ना कहीं मेरे और तमन्ना के रिश्ते को लेकर हल्का सा शक है। रूही ने कहा, हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना? अच्छी बात है, मगर तुम तमन्ना को जानती हो कि वो कितनी बड़ी नौटंकी है, वो किसी भी हालत में ये बात चिराग के सामने आने नहीं देगी, और अगर उसे लगा कि मेरा उसके पास रहना प्लान खराब कर सकता है तो वो मुझे भी दूर कर देगी। फिर मैं उसके पास रहकर जो उसकी एक एक बात जान पाता हूँ वो नहीं जान पाऊंगा। तो हमें अपना प्लान बरकरार रखने के लिए चिराग के दिमाग में ये शक हटाना होगा, ताकि तमन्ना चिराग की तरफ से निश्चिंत रहे और मुझसे सब कुछ शेयर करती रहे, मेरे पास रहे। रूही, वो लड़की मेरे सामने भी बहुत केयरफुल रहती है, मैं सच कह रहा हूँ। रूही ने आगे कहा, अच्छा ठीक है, ये सब तो मैं समझ गई, लेकिन अब अपना प्लान बताओ ताकि ये भी सॉल्व हो जाए और मुझे सिम्बा को देखने का, उसके पास रहने का भी मौका मिल जाए। नमन ने रूही को देखते हुए कहा, रूही ये पॉसिबल हो सकता है अगर तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आने का नाटक करो। रूही ने चौंकते हुए कहा, व्हाट? रूही शॉक के मारे अपने सोफे से खड़ी हो गई और बोली, क्या बकवास है ये नमन, तुम्हें इसके अलावा और कोई उपाय नहीं सूझा जो ये आइडिया लेकर मेरे पास आए हो? इत्तफाक से रूही का भी वही रिएक्शन था जो तमन्ना का था। आज पहली बार किसी एक बात पर दोनों का एक ही जवाब था। रूही ने भड़कीले अंदाज के साथ कहा, नमन कहीं तुम इन सब के चक्कर में अपनी दाल गलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे ना? सच बताओ, कहीं तुम मेरे साथ तो कोई गेम तो नहीं खेल रहे ना? देखो मैं सच कह रही हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे पास खोने को वैसे भी कुछ नहीं है। नमन ने भी जोर से जवाब देते हुए कहा, नहीं रूही नहीं, तुम्हारा ऐसा सोचना कि तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है वो गलत है। मेरी बात का यकीन करो, तुम अब भी बहुत कुछ पा सकती हो। तुम सिम्बा के जिस टच के लिए क्रेव कर रही हो वो तुम्हें मिल सकता है, साथ ही तुम्हें चिराग के सामने होने का भी मौका मिलेगा जो अभी नहीं मिल रहा। क्या पता रूही, क्या पता कि अगर तुम उसके सामने रही तो धीरे धीरे चिराग तुम्हारे लिए वापस से फील करने लगे, क्या पता तुम्हारे लिए उसका प्यार वापस आ जाए। और मैं बस तुम्हें मेरे साथ होने का नाटक करने के लिए कह रहा हूँ, इसमें कोई सच्चाई नहीं होगी। सच, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई गलत फीलिंग्स नहीं है, ट्रस्ट मी। नमन ये बात बोलकर थोड़ा इमोशनल हो गया था। उसने कहा, तुम नहीं जानती रूही कि तुमने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। तुमने मुझे उस नर्क से निकाला है जहां मैं हर दिन जीते जी मरता था, अच्छे खाने के लिए, साफ कपड़े के लिए, आजादी के लिए। तुम्हें सच में लगता है कि अब मैं तुम्हारे साथ कोई धोखा करूंगा? नहीं रूही नहीं, सच में मेरी और कोई दूसरी मर्जी नहीं है, इसमें मेरा विश्वास करो। नमन ने अपनी सफाई में इतना लंबा चौड़ा रीजन दिया कि अब रूही के पास भी कहने को और कोई सवाल नहीं था, वो भी सिर्फ चुप होकर नमन को देख रही थी। कुछ पल बाद उसने कहा, मैं तैयार हूँ। रूही की बात सुनकर नमन बहुत खुश हुआ। उसी दिन शाम को दादू के घर पर चिराग और तमन्ना दादू के पास बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। दादू ने धीरे धीरे दम भरते हुए कहा, अच्छा हुआ मैंने तुम लोगों को यहाँ बुला लिया, वरना तुम लोगों के बिना ये घर तो जैसे मुझे काटने को होता था। लेकिन अब तुम लोग हो तो सबकी आवाज आती रहती है और सुनकर अच्छा लगता है। चिराग और तमन्ना बस दादू की बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे। तभी चिराग ने कहा, आप खुश हैं ना? बस। दादू ने कहा, हाँ बेटा बहुत खुश हूँ, मैंने तो वैसे भी हमेशा से यही चाहा था कि मेरा परिवार एक होकर रहे, उसमें कोई दरार ना आए। ऐसा करने के लिए मैंने एक तो गलत फैसले भी लिए, लेकिन आखिर सब अलग ही हो गए। लेकिन चलो, इस बात की खुशी है
कि कम से कम मेरे जाते जाते तो तुम सब साथ हो। दादू ने आगे कहा, बस एक बात की चिंता है बेटा। चिराग ने पूछा, क्या दादू? दादू ने कहा, यही कि नमन का क्या होगा। चिराग ने पूछा, क्या होगा मतलब? दादू ने कहा, मतलब बेटा कि तुम्हारा घर तो बस गया, तुम्हारी तो बीवी है, बेटा है, तुम अपने व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ चुके हो, लेकिन नमन? नमन की बात आते ही चिराग बिल्कुल इरिटेट सा हो गया। दादू ने कहा, मुझे पता है बेटा कि नमन ने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन क्या करूं, आखिर है तो वो भी मेरा पोता ही ना, उसके लिए भी चिंता तो होगी ना। इतना समय इस लड़के ने बेफिजूल के कामों में बिता दिए, अगर सही रास्ते पर होता तो अब तक जीवन में कहां से कहां होता। लेकिन चलो, अब जब वो सुधर गया है तो अब भी देर नहीं हुई। चिराग बेटा, मुझे उसकी शादी की चिंता है। चिराग ने बड़ी बड़ी आंखों से दादू को देखकर कहा, दादू इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? दादू ने कहा, देखो ना बेटा, अगर तुम किसी अच्छी सी लड़की को जानते हो तो आखिर भाई तो दूसरे भाई के काम आ सकता है। चिराग ने कहा, उसने हमेशा अपने मन की है तो ये काम भी खुद ही कर लेगा, ढूंढ लेगा किसी लड़की को अपने लिए। दादू ने चिराग तो चिराग तमन्ना को भी कहा, तमन्ना बेटा, तुम तो नमन को अच्छे से जानती हो ना, तुम्हें तो पता है उसकी पसंद कैसी है। तुम्हारी नजर में आगे कोई हो तो बताओ ना, कोई तुम्हारी सहेली, कोई दूर की कजिन, कोई अच्छी लड़की। तमन्ना इस बात पर दादू को ही देखती रह गई। वो जवाब भी क्या देती, उसने तो खुद नमन को अपने लिए सेट कर रखा था, भला वो क्यों अपनी सौतन खुद लाएगी। एक तो वो वैसे ही किसी की सौतन बनकर बैठी थी। ये सारी बातें चल रही थी कि दरवाजे की घंटी की आवाज आई। तमन्ना उठी रही थी कि चिराग ने कहा, तुम बैठो, मैं आता हूँ और दादू की दवाई भी लेता आऊंगा, स्टडी में ही रख दिया था। ये बोलकर चिराग वहाँ से दरवाजा खोलने के लिए निकल गया। वो आ ही रहा था कि इतने में दोबारा घंटी बजी। चिराग ने इरिटेट होकर कहा, अरे भाई आ ही रहा हूँ, अब क्या उड़कर आ जाऊं? ये बोलकर उसने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। चिराग ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी भूकंप आ गया हो, या कोई भयंकर बवंडर, या कोई जानलेवा सुनामी जिसने चिराग को ऊपर से नीचे तक झंझोर कर रख दिया हो। चिराग ने बड़े ही आश्चर्य से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चिराग का ये कहना ही था कि तभी रूही ने जानबूझकर नमन के बाहों में बाहें डाली और चिराग को नजर भरकर देखने लगी। चिराग के तो वाकई कदम ही लड़खड़ा गए थे। वो वहाँ खड़ा खड़ा डगमगा गया। उसे तो जैसे अपनी आंखों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हो रहा था। वो कहाँ तो दादू की दवाई लाने गया था, लेकिन अब लग रहा था कि उसे ही दवाई की जरूरत पड़ने वाली थी। चिराग ने फिर हकलाते हुए पूछा, कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे हो? नमन ने कहा, अब हम दोनों एक साथ ही हैं चिराग, रूही मेरी गर्लफ्रेंड है। नमन की एक एक बात चिराग के मन पर बुलेट की तरह लग रही थी। इतने में उधर से तमन्ना भी बोलते हुए पहुंची, चिराग अब तक तुम दरवाजे पर क्या कर रहे हो? दादू की दवाई का वक्त हो गया। सामने का नजारा देखकर तमन्ना की बोलती बंद हो चुकी थी, हालांकि उसे पता था, लेकिन फिर भी दोनों को ऐसे साथ देखकर तमन्ना के होश उड़ चुके थे। उसका ध्यान सबसे पहले नमन के बाजू पर गया, जिसे रूही ने कसकर पकड़ रखा था। सब कुछ जानते हुए कि ये नमन का नाटक है, तमन्ना की ऐसी इच्छा हो रही थी कि वो रूही का हाथ दबोच कर उसे नमन से कोसों दूर कर दे। नमन ने कहा, रास्ता छोड़ो चिराग। लेकिन चिराग अब इतने गुस्से में था कि उसने जानबूझकर नमन का रास्ता रोक लिया और बोला, मैं जब भी सोचता हूँ कि तुम इससे ज्यादा तो और नहीं गिर सकते, लेकिन तुम हमेशा उससे कहीं ज्यादा गिरकर दिखा ही देते हो। नमन ने तड़ाक से कहा, ऐसी क्या गिरी हुई हरकत की है मैंने? चिराग ने एकदम से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की? नमन ने चौंक कर कहा, तुम्हारी बीवी? उसने आगे कहा, शायद तुम भूल रहे हो चिराग कि ये अब तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम रूही को बकायदा डिवोर्स दे चुके हो। नमन के ये कहते ही चिराग को एकदम से ख्याल आया कि उसने गुस्से गुस्से में वो बात बोल दी है जो अब सच है ही नहीं। उसने नमन से नजरें चुरा ली और रूही को घूर कर देखने लगा। रूही भी बिना पलक झपकाए चिराग को ही देखने लगी। चिराग ने बड़े ही गुस्से में रूही से पूछा, सीरियसली रूही, तुम्हें इस नमन के अलावा पूरी दुनिया में और कोई नहीं मिला था? रूही ने पलट कर कहा,
आखिर रूही ने चिराग को पलट कर क्या जवाब दिया? अब क्या होगा जब आएंगे रूही और चिराग एक दूसरे के सामने? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होगा इन सभी सवालों का जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंधाधुन इश्क सिर्फ पॉकेट एफएम पर। नमन ने तमन्ना को बताया कि अगर वो रूही के साथ अपना रिलेशनशिप कर लेता है तो चिराग का सारा दिमाग उस पर और तमन्ना से हटकर रूही पर चला जाएगा। काफी समझाने के बाद तमन्ना मान गई। नमन ने यही बात रूही के सामने भी रखी और उसे कहा कि अगर वो नमन के साथ एक झूठा रिश्ता बनाकर उसके घर चलती है तो वो सिम्बा से मिल पाएगी। रूही को पहले तो ये बहुत ही बेहुदा आइडिया लगा, लेकिन सोचने के बाद वो भी मान ही गई। दोनों एक साथ दादू के घर पहुँचे। घर पहुँचे तो चिराग ने ही दरवाजा खोला और खोलते ही बिल्कुल आश्चर्य से हक्का बक्का रह गया। उसने गुस्से में रूही से पूछा, तुम्हें क्या पूरी दुनिया में नमन ही मिला था रिश्ता जोड़ने के लिए? जिस पर रूही ने भी पलट कर कहा, तो क्या तुम्हें भी पूरी दुनिया में तमन्ना ही मिली थी रिश्ता जोड़ने के लिए? रूही का उल्टा जवाब सुनकर चिराग का मेल ईगो हर्ट हो गया। उसने चिल्ला कर कहा, जस्ट शट अप, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं तुम्हें। तुमने ये सब सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए किया है, लेकिन तुम ये भूल रही हो कि मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में तुम खुद भी कितनी नीचे गिर गई हो। तुमने उस आदमी के साथ अपना रिश्ता बनाया जिसने तुम्हारे पति को चोट पहुंचाने की कोशिश की। पति छोड़ो, तुम्हारे बच्चे को चोट पहुंचाया, तुम्हारे खुद के साथ ना जाने क्या क्या किया। रूही ने तुरंत कहा, देखा जाए तो यही सारी बातें तुम पर भी तो लागू होती है चिराग। तुमने भी तमन्ना से शादी की जिसने वो सब किया है जिसके लिए अभी तुम मुझे और नमन को सुना रहे हो। लेकिन तुमने भी तो तमन्ना को दूसरा मौका दिया ना। जब भी मैं तमन्ना की कोई बुराई करती हूँ तो तुम ही कहते हो ना कि वो पहले की बात थी। तमन्ना अब वैसी नहीं रही तो मैं भी तुमसे यही कह रही हूँ कि वो नमन का अतीत था जब वो एक बुरा इंसान था, पर अब वो वैसा नहीं है, वो बदल गया है। रूही की तरफ से ऐसे करारे जवाब सुनकर चिराग के शरीर में आग लग रही थी। वो गुस्से से बिल्कुल तप रहा था, लेकिन करता भी तो क्या करता, बस ऐसे ही आंखें फाड़ कर रूही को देखता रहा। रूही ने चिराग से कहा, अब रास्ता छोड़ोगे या यहीं खड़े रहोगे? चिराग ने रूही का रास्ता छोड़ दिया। रूही उसे देखते हुए बिल्कुल उसके करीब से होकर घर के अंदर की तरफ बढ़ गई। चिराग उसके एक एक कदम ध्यान से देख रहा था कि रूही कैसे नमन के साथ कदम से कदम मिलाकर नमन के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। एकदम से चिराग ने कहा, रुक जाओ। रूही और नमन दोनों ही रुक गए। चिराग फनफनाते हुए उनके पास आया और रूही से बोला, अगर तुम नमन के साथ रिलेशनशिप में आ भी गई हो तो तुम्हें इस घर में आने की इजाजत किसने दी? इससे पहले कि रूही कुछ बोलती, नमन ने कहा, सबसे पहली बात तो चिराग ये कि तुम्हें रूही से ये सवाल करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये घर तुम्हारे अकेले का नहीं है बल्कि हम सबका है। ये दादू का घर है, मतलब हम दोनों का इस पर हक है। और दूसरी बात ये कि मैं रूही को यहाँ लेकर इसलिए आया हूँ क्योंकि रूही ने ये डिसाइड किया है कि वो मेरे साथ ही मूव इन कर रही है। मैं तब से चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे या रूही को कुछ भी बोलते रहोगे। अगर मैं तुम्हारी इज्जत रख सकता हूँ तो तुम भी रख सकते हो। आई होप अब तुम्हें बात समझ आ गई होगी। नमन ने चिराग को पूरे रौब के साथ ये बात बोली और रूही का हाथ पकड़कर अंदर कमरे की तरफ चला गया। रूही ने भी इस नाटक में नमन का पूरा साथ दिया। दोनों कमरे में आए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कमरे में अंदर आते ही रूही ने नमन का हाथ एकदम से छुड़ा दिया। नमन ने रूही की तरफ देखा और हिचकिचाकर अपनी नजरें उधर कर ली। रूही ने थोड़े सख्त टोन में कहा, नमन मैं जानती हूँ कि हम नाटक कर रहे हैं, लेकिन ये नाटक सिर्फ इस कमरे के बाहर ही होगा, ये बात ध्यान रखना। नमन ने बिना कुछ बोले बस सिर हिलाकर हाँ कर दिया। इधर चिराग इतना ज्यादा आग बबूला था कि सोच सोच कर अपने आप में ही जल रहा था। तमन्ना भी मन ही मन अनुमान लगाए जा रही थी, ये तो वाकई बड़ी अजीब बात है। वो रूही जिसे नमन से नफरत है, जिसे देखकर उसे घिन आती है, वो आज नमन के ही साथ रिलेशनशिप में कैसे आ गई? आखिर नमन ने उसे ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाई है जो रूही उसके साथ घर तक आने को तैयार हो गई? उसने चिराग को देखा तो चिराग आग बबूला हुआ खड़ा था। उसे देखते हुए तमन्ना ने सोचा, खैर जो भी है, एक बात तो नमन ने बिल्कुल सही कहा था,
कि रूही को देखकर उसका दिमाग खराब हो जाएगा और उसका सारा प्लान केवल रूही पर ही अटक जाएगा। चिराग को देखकर लगता है कि ऐसा हो चुका है। तमन्ना ने जानबूझकर चिराग को कुरेदने के लिए कहा, कोई बात नहीं चिराग, तुम प्लीज अपने गुस्से पर काबू रखो, ये तो है ही ऐसी, इसे तुम्हारे खुश या नाराज होने से क्या ही फर्क पड़ता है, जाने दो अब इस बात को, चिराग ने गुस्से में कहा। जाने दो माय फुट। चिराग ने गुस्से में अपने साइड में रखे एक टेबल को लात मार के फेंक दिया। लात इतनी जोर की थी कि टेबल बिल्कुल लुढ़कता हुआ आगे की तरफ बढ़ गया। वो फनफनाता हुआ वहां से सीधा दादू के पास गया और जाते ही बिल्कुल चिल्लाने लगा, आपने क्या इस दिन के लिए सबको एक ही छत के नीचे रखा था ताकि दिन रात मेरा खून चलता रहे? दादू बिल्कुल हैरान होकर चिराग को देखने लगे और धीमी आवाज में बोले, ये अचानक तुम नमन जैसा क्यों बिहेव कर रहे हो, क्या हो गया? चिराग ने कहा, मत कहिए मुझे नमन, मैं उसके जितना बेकार कभी सपने में भी नहीं हो सकता। दादू ने सांस संभालते हुए कहा, अब साफ साफ बताओ कि क्या बात है या चिल्लाते ही रहोगे? चिराग ने कहा, नमन अपने साथ रूही को घर लेकर आया है, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर, मेरी बीवी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर लाया है वो दादू, सुन रहे हैं आप? चिराग की बात सुनकर एक पल को तो दादू भी हक्के बक्के रह गए, फिर जैसे तैसे खुद को संभालते हुए बोले, सबसे पहले तो रूही को मेरी बीवी बोलना बंद कर दो। चिराग, वो अब तुम्हारी बीवी नहीं रही, ये बात तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? नमन की साइड लेते हुए देख चिराग बिल्कुल हैरान हो गया। वो बोला, दादू मुझे समझ नहीं आ रहा, आप अब भी नमन की ही साइड ले रहे हैं? दादू ने कहा, बेटा मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मेरा ये कहना है कि तुमने भी तो तमन्ना से शादी की, तो क्या मैंने तुम्हें कुछ कहा? नहीं ना, तो बेटा नमन को क्या बोलूं, तुम बताओ। देखो चिराग, बहुत मुश्किल से मैं तुम लोगों को फिर से एक छत के नीचे ला पाया हूँ, अब सिर्फ एक वजह के कारण मैं ये फिर से बर्बाद नहीं होने देना चाहता, अब इस उम्र में ना मेरी इतनी हिम्मत है और ना ही कोई इरादा। दादू ने चिराग के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, बेटा प्लीज मेरी बस ये रिक्वेस्ट मान लो, प्लीज अब इस वजह से ये घर छोड़कर मत जाओ, नमन को उसके हाल पर छोड़ दो बेटा, प्लीज उसकी वजह से तुम परेशान मत हो। दादू के हाथ जोड़ लेने से चिराग थोड़ा नर्म पड़ गया, आखिर एक बिस्तर पर पड़े हुए बूढ़े आदमी से कोई कितना बहस कर लेगा। बस यही सोचकर चिराग चुप होकर वहां से चला गया। वो वहां से निकलकर आया और अपने कमरे में आकर धम से बैठ गया। तमन्ना ने चिराग को देखा लेकिन उसने इस वक्त उसे छेड़ना जरूरी नहीं समझा, आखिर बौखलाए हुए शेर को उंगली करे भी तो कैसे, कहीं गलती से एक आधा पंजा लग गया तो सूरत बिगड़ने का रिस्क कौन ले। तमन्ना सिर्फ इस बात के इंतजार में थी कि कब वो नमन से ये पूछे कि आखिर उसने रूही को अपने साथ घर आने के लिए मनाया कैसे। वो इसी फिराक में अपने कमरे से बाहर इधर से उधर किए जा रही थी। रूही अपने कमरे से बाहर निकली तो तमन्ना को मंडराते देखा। अब जब तमन्ना को देख ही लिया था तो रूही के भी कीड़े काटने लगे। वो मुस्कुराकर उसके पास आ गई और बोली, देख रही हो ना तमन्ना, किस स्पीड से मैं तुम्हारी तरफ बढ़ती जा रही हूँ, पहले चिराग से सॉरी बुलवाया, फिर अब इस घर में आकर ठीक तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुम ना बस देखती जाओ कि किस तरह से मैं वापस तुम्हें उसी जगह लाकर खड़ा कर देती हूँ जहाँ तुम पहले से थी। तमन्ना ने तड़ाके से जवाब दिया, हाँ पर एक बात तो है, अब तुम मेरे सामने ये शिकायत तो नहीं कर सकती कि मैं कितनी गिरी हुई लड़की हूँ, क्योंकि अब तो तुम भी इस रेस में बिल्कुल मेरे बराबर ही आकर खड़ी हो गई हो। एक तरफ तुम्हें नमन से नफरत थी और आज उसी की महबूबा बनकर अब इस घर में आ भी गई। वैसे क्या पट्टी पढ़ाई उस आदमी ने तुम्हें कि तुम ऐसा करने को तैयार हो गई? रूही बोली, उसने मुझे क्या पट्टी पढ़ाई और क्या नहीं, ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम तो बस अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो तमन्ना, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर फेंकने वाली हूँ। ये बोलकर रूही वहां से निकल गई। तमन्ना काफी देर तक वहां मंडराती रही लेकिन नमन कमरे के बाहर नहीं आया। आधी रात तक तमन्ना का मन अंदर ही अंदर छटपटा रहा था, उसे जानना था कि आखिर नमन ने ऐसा क्या कहा कि वो उसके साथ घर आ गई। यही सब सोचते सोचते तमन्ना अपने कमरे के बालकनी में टहलने लगी और उसकी नींद गायब हो चुकी थी। तभी अचानक उसने टेरेस से नमन के गुनगुनाने की आवाज सुनी, उससे रहा नहीं गया, उसने देखा चिराग सो रहा है तो वो भागकर छत पर चली गई। छत पर जाते ही तमन्ना हड़बड़ाकर नमन के पास जाकर खड़ी हो गई और उसे गले से लगा लिया
और बोली, मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारा नाटक है, लेकिन फिर भी मेरा खून खौल रहा था जब तुम रूही के साथ उसके हाथों में हाथ डाले खड़े थे। मन तो हो रहा था कि उसकी जान ले लूं। तमन्ना ने नमन की आंखों में देखकर पूछा, लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने उसे ये सब करने के लिए मनाया कैसे? नमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मनाना कौन सा मुश्किल था? देखो, हमें रूही को इस घर में लाना था और रूही को भी कोई ना कोई बहाना चाहिए था ताकि वो सिम्बा को देख सके, उसके पास रह सके। बस मेरी ये बात सामने रखते ही वो रेडी हो गई। अब इसमें एक और फायदा भी तो है, तमन्ना ने पूछा। एक और फायदा क्या? नमन ने कहा, अब तुम्हें दिन भर सिम्बा का ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। जब चिराग घर पर रहेगा तब तुम सिम्बा का ख्याल रख लेना, और जब वो ऑफिस चला जाएगा तब तुम थोड़ा चैन की सांस ले लेना। कौन सा चिराग ऑफिस से तुम पर नजर रखने वाला है कि सिम्बा की सेवा तुम कर रही हो या रूही? नमन के मन में अपने लिए ये चिंता देखकर तमन्ना बिल्कुल इमोशनल हो गई। वो बोली, नमन, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो, कितनी परवाह है तुम्हें मेरी? उसने तुरंत ही मजाक मजाक में नमन को धमकाते हुए भी कहा, लेकिन ये चिंता हमेशा मेरे लिए ही होनी चाहिए, समझे? अगर मैंने देखा कि तुम रूही की तरफ झुक रहे हो तो फिर देखना। नमन ने हंसते हुए कहा, तुम भी ना तमन्ना, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम भी जानती हो ना कि मैं उसके बारे में कैसा सोचता हूँ। मैं रूही के साथ कभी इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता तमन्ना। तमन्ना ने खुश होकर नमन को बिल्कुल एक्साइटेड होकर गले लगा लिया। एक्साइटमेंट में उसके हाथ सीधे एक छोटे से गमले पर जाकर लगे और गमला छत के इस तरफ गिर गया। तमन्ना ने तुरंत इधर उधर झांक कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने नीचे अपने कमरे की बालकनी में भी देखा, मगर हर जगह सन्नाटा था। तभी नमन ने कहा, इतना टेंशन मत लो, चिराग तो घोड़े बेचकर सो रहा होगा। खतरे की कोई घंटी नहीं थी, इसीलिए दोनों रात के अंधेरे में छत पर अपने रोमांस में भीग रहे थे कि तभी नीचे अचानक चिराग की नींद खुल गई। नींद खुली तो तमन्ना कहीं नहीं थी। चिराग अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया। क्या चिराग देख लेगा नमन और तमन्ना को एक साथ? क्या रूही का इस घर में आने का प्लान सफल हो पाएगा? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंधाधुन इश्क, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रूही को नमन के साथ देखने के बाद चिराग के सर के परखच्चे उड़ गए थे। उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। उसने रूही को नमन के साथ रिश्ता बनाने के लिए खूब सुनाया, लेकिन रूही भी चुप नहीं बैठी। उसने भी चिराग को तमन्ना के साथ रिश्ते बनाने के लिए खूब सुनाया। चिराग ने तो दादू से शिकायत भी लगाई, लेकिन दादू भी उसकी बात में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगे। उनके दिमाग में तो बस ये था कि किसी भी वजह से कोई घर छोड़कर ना चला जाए। रात में चिराग को सोता छोड़कर तमन्ना नमन के पास चली गई। दोनों रोमांस में डूबे ही थे कि अचानक चिराग की नींद खुली। उसने आंखें मसलते हुए कहा, ये आवाज कैसी थी? उसे लगा कि वो तमन्ना से कह रहा है, लेकिन यहाँ उसने अपने बगल में देखा तो बिस्तर पर कोई नहीं था। वो सोचने लगा, ये तमन्ना कहाँ चली गई इतनी रात को? उसने झांक कर झूले में देखा तो सिम्बा भी सो रहा था। चिराग सोचने लगा, सिम्बा भी सो रहा है तो तमन्ना कहाँ है? शायद पानी वानी लेने तो नहीं चली गई किचन से? चिराग ने पास में देखा तो पानी का जग पहले से ही भरा हुआ था। उसकी सोच और गहरी होने लगी, आखिर ये है कहाँ? इतनी रात को कहाँ जा सकती है? कहीं मामा जी के कमरे में तो नहीं है? चिराग से बिल्कुल रहा नहीं गया। वो तुरंत अपने कमरे से निकलकर सीधा मामा जी के कमरे की तरफ गया। वहां जाकर हल्का सा दरवाजा खोलकर देखा तो वो गहरी नींद में सो रहे थे। चिराग की चिंता और बढ़ गई। वो तुरंत दादू के कमरे में गया, दादू भी सो रहे थे। वहां से भागकर वो किचन में गया, तमन्ना वहां भी नहीं थी। किचन से निकलकर जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि छत पर निकलने वाले ग्रिल अंदर से नहीं बल्कि छत की तरफ से बंद है। कहीं तमन्ना छत पर तो नहीं है, पर ये इस वक्त छत पर क्या कर रही है? यही सोचते हुए चिराग छत की सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर तमन्ना और नमन को अचानक से किसी के पैरों की आवाज आई। दोनों के कान खड़े हो गए। तमन्ना ने हड़बड़ा कर कहा, नमन, क्या तुम्हें किसी के आने की आवाज आ रही है? नमन ने जानबूझकर कहा, नहीं तो, मुझे तो नहीं आ रही। तमन्ना नमन से एकदम से अलग होकर बोली,
नमन ध्यान से सुनो, आवाज आ रही है। हाँ नमन आ रही है, लगता है कोई ऊपर आ रहा है। नमन कोई ऊपर आ रहा है, अगर ये चिराग हुआ तो। चिराग का नाम दिमाग में आते ही तमन्ना के हाथ पांव फूलने लगे। उसकी आंखें तो आश्चर्य से लड्डू जैसी बाहर आ चुकी थी। उसने हड़बड़ाकर नमन को कहा, नमन नमन तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से नमन, जल्दी करो। नमन ने घबराते हुए कहा, तमन्ना कहाँ जाऊँ मैं, अब नीचे छत से थोड़ी कूद सकता हूँ, और नीचे जाने का एक ही रास्ता है, कैसे जाऊँ। नीचे से सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज लगातार बढ़ती ही जा रही थी। तमन्ना की हालत तो डर से खराब होती जा रही थी, वो बिल्कुल छटपटाने लगी थी। नमन कुछ करो, कुछ करो, जाओ यहाँ से प्लीज। तमन्ना क्या जरूरी है कि वो चिराग ही होगा, और अगर होगा अभी तो कह देना कि तुम्हें नींद नहीं आ रही थी, तुम ऊपर हवा खाने आई हो। तुम पागल हो क्या नमन, कितनी बार ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जहाँ उसने हमें साथ देख लिया। अभी जब वो इतनी रात को हमें यहाँ ऊपर देखेगा तो वो पक्का हमारे बारे में कुछ गलत ही सोचेगा। मैं बता रही हूँ नमन, जाओ यहाँ से। तमन्ना के इतने कहते ही नमन इधर उधर देखने लगा कि आखिर वो ऐसी कौन सी जगह छिपे कि चिराग उसे ढूंढ ना सके। तमन्ना की धड़कन तो इतनी तेज चल रही थी कि लोग बाहर तक सुन सकते थे। पैरों की आवाज तेज होते होते सीधे ऊपर तक आ गई। तमन्ना ने सामने देखा तो चिराग सीढ़ियों पर ही खड़ा था। चिराग आंखें फाड़ कर तमन्ना को देख रहा था। तमन्ना का हाल तो पानी पानी हो चुका था। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा तो नमन वहाँ नहीं था। नमन को वहाँ ना देखकर तमन्ना की सांस में सांस आ गई। चिराग ने तमन्ना से पूछा, क्या हुआ तमन्ना, पीछे किसे देख रही हो। मैं नहीं तो, बस ऐसे ही देख रही थी। वो उसके पास आती हुई बोली, गॉड चिराग तुम्हें ऐसे आने की क्या जरूरत थी, तुमने तो मेरी जान ही ले ली, मुझे लगा कि कोई भूत मेरे पीछे पड़ गया है। चिराग ने सीरियस होकर पूछा, वैसे तो इतनी रात गए छत पर क्या कर रही हो। चिराग नजरें घुमा घुमा कर इधर उधर देखने लगा। तमन्ना दम घुटने का ड्रामा करते हुए बोली, चिराग सच कहूँ तो मेरा दम घुट रहा है। हाँ मैंने सबके सामने दिखाया नहीं, लेकिन रूही के आने से मुझे परेशानी तो हो रही है। सोते सोते अचानक ही मेरी नींद खुल गई। मैंने तुम्हें एक दो बार पुकारा भी, पर तुम गहरी नींद में सो रहे थे, इसीलिए इधर उधर करते करते भी जब मुझे चैन नहीं आया तो मैं ऊपर आ गई। चिराग हालांकि थोड़ा स्केप्टिकल तो था ही, लेकिन तमन्ना का ड्रामा इतना रियलिस्टिक था कि वो करता भी तो क्या करता। उधर नमन पानी की टंकी में छिपकर बैठा था। नाक तक पानी में बैठा नमन अंदर ही अंदर तमन्ना पर खिसिया रहा था, दम तो मेरा घुट रहा है यहाँ, और फालतू का ड्रामा वो कर रही है, इस लड़की का भरोसा जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। नमन बेसब्री से इंतजार कर रहा था आखिर कब तमन्ना और चिराग छत से नीचे जाएं कि वो बेचारा बाहर निकले। लेकिन चिराग था कि वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने कहा, तुम एक्चुअली ठीक कह रही हो, आजकल घर में इतना कुछ चल रहा है ना कि दो पल की शांति के लिए तरस गया हूँ। चिराग एक लंबी सांस लेते हुए बोला, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है अभी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, ना कोई शोर ना कुछ, सिर्फ शांति। अरे तुम वहाँ क्या कर रही हो, तुम भी आओ ना तमन्ना, मेरे पास आकर बैठो। तमन्ना जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए चिराग के पास आ गई, लेकिन मन ही मन में उसके एक ही बात चल रही थी कि आखिर ये नमन गया कहाँ, कहीं घबराहट के मारे छत से तो कहीं नहीं कूद गया। यही सोचकर तमन्ना ने नीचे झांक कर देखा। नीचे क्या है तमन्ना, चिराग ने पूछा। कुछ नहीं, ऐसे ही देख रही थी कि यहाँ से नीचे देखने में कैसा लगता है, जब से यहाँ शिफ्ट हुई हूँ कभी छत पर आई नहीं ना। मन ही मन तमन्ना को तो चिराग पर गुस्सा आ रहा था, इतने सवाल करता है जैसे कहीं का बिजनेसमैन नहीं जासूस हो। कभी कभी तो मन करता है इसे धोखा वोखा देना छोड़कर सीधा इसका कत्ल ही कर दूं। इधर पानी की टंकी में बंद नमन से अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। वो इतना तड़प गया था कि अनजाने में छटपटाहट में उसने हाथ मारा और वो आवाज जाकर टंकी में आ गई। अंदर से ढप से आवाज आने पर चिराग का ध्यान तुरंत भटका। तमन्ना तुमने ये आवाज सुनी। कौन सी आवाज, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। तुम भी ना चिराग, मुझे तो लगता है तुम भी नींद में हो। तुम एक काम करो, मेरे साथ नीचे चलकर सो जाओ। आओ, तमन्ना उसे ले जाने लगी, लेकिन फिर चिराग नहीं माना। तमन्ना समझ चुकी थी कि नमन टंकी के अंदर ही छिपा हुआ है। हे भगवान, ये बेचारा तब से टंकी में छिपा हुआ है, इसका तो अंदर बुरा हाल हो रहा होगा, लेकिन ये यमराज यहाँ से हिलने का नाम ले तब ना। नमन अंदर एकदम अब तड़पने लगा था।
छटपटाहट इतनी थी कि वो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल तो करना चाह रहा था, पर अब पानी नाक के ऊपर आ चुका था। उसने झट से टंकी का ढक्कन एक बार उठाया और एक लंबी सांस ली और फटाक से फिर बंद कर दिया। आवाज होने के कारण चिराग का ध्यान फिर से उसी ओर गया। चिराग चौकन्ना होकर बोला, तमन्ना मुझे लगता है वहाँ कोई है। ओफो चिराग, कोई नहीं है वहाँ, वहम है तुम्हारा और कुछ नहीं, तुम चलो नीचे मेरे साथ। लेकिन चिराग पानी की तरफ बढ़ता गया। मुझे तसल्ली करने दो तमन्ना, जब तक मैं देख नहीं लेता मुझे चैन नहीं आएगा। चिराग लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। उसके हर एक कदम के साथ तमन्ना की धड़कनें तेज होती जा रही थी। हे भगवान, कैसे रोकूं मैं इस आदमी को, कुछ सुनने का नाम क्यों नहीं लेता ये। तमन्ना मन ही मन मना ही रही थी कि इतने में उसी टंकी के पीछे से एक मोटी काली बिल्ली निकल कर आई। तमन्ना बिल्कुल जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि एक पल को तो चिराग भी सहम गया था। चिराग ने बिल्कुल चौंक कर पूछा, क्या हो गया तमन्ना, इतनी तेज चीख क्यों रही हो, सिर्फ एक बिल्ली ही तो है। चिराग, तुम कह रहे थे ना कि टंकी के पीछे कोई है, ये देखो यही थी वो, ये बिल्ली। अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि टंकी के पीछे क्या है, तो अब चले सोने। चिराग, मुझे अब नींद आ रही है। नींद आ रही है? तो तुम कह रही थी कि तुम्हें नींद नहीं आ रही, फिर अचानक नींद आने लग गई। हाँ हाँ ठीक है, चल रहे हैं। चिराग तमन्ना के साथ निकलने लगा, लेकिन फिर ना जाने क्या हुआ, अचानक से उसकी नजर टंकी के ढक्कन पर पड़ी जो खुली हुई थी। चिराग ने कहा, अरे ये ढक्कन कैसे खुला रह गया। तमन्ना एक सेकंड रुको, मैं जरा ये ढक्कन बंद कर देता हूँ वरना सारा कचरा पानी में चला जाएगा। ये बोलकर चिराग टंकी की तरफ आखिरकार दोबारा बढ़ने लगा। तमन्ना सब करके देख चुकी थी, लेकिन चिराग अब नहीं मानने वाला था। लगता है आज तो शामत आनी लिखी ही थी, तभी इतनी कोशिश के बाद भी ये सब हो रहा है। पता नहीं आज घर से निकलने के बाद चिराग मुझे मेरे कपड़े तक भी उतारने देगा या नहीं। चिराग टंकी के आसपास बनी एक दो स्टेप्स पर चढ़ा और ढक्कन बंद करने के लिए अपने हाथ बढ़ाने लगा। जैसे जैसे उसके हाथ ढक्कन की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे तमन्ना पानी पानी हुई जा रही थी। आखिरकार चिराग ने ढक्कन पर हाथ लगा दिया, मगर तभी नीचे से मामा जी हड़बड़ाते हुए ऊपर आए और बोले, तमन्ना बेटा तुम यहाँ छत पर क्या कर रही हो, और ये आधी रात को इतनी तेज चीख कौन रहा था, जल्दी चलो मेरे साथ, सिम्बा जग गया है, लेटा लेटा रो रहा है बिस्तर पर। मामा जी की बात सुनते ही तमन्ना से पहले चिराग ही भागा। चिराग के वहां से जाते ही तमन्ना की जान में जान आ गई। उसने एक लंबी सांस ली और तुरंत जाकर खुद ही टंकी का ढक्कन खोल दिया। ढक्कन खोलते ही तमन्ना एकदम से घबरा गई। घबराती भी क्यों नहीं, नमन का मुंह ठीक ढक्कन के नीचे ही था। उसने अपना चेहरा ऊपर किया, बिल्कुल किसी लाश की तरह टंकी में तैर रहा था। तमन्ना को देखते ही नमन बिल्कुल किसी व्हेल की तरह पानी के छपाके मारते हुए टंकी से बाहर निकला। ऊपर से नीचे तर नमन बाहर आते ही तेज तेज हाफने लगा। मामा जी तो नमन को ऐसे देखकर बिल्कुल अचंभे में आ गए थे, लेकिन वो जानते थे कि छत पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है, तभी तो झट से ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ते हुए ही उन्होंने तमन्ना का चेहरा देखते ही भाप लिया था कि तमन्ना फिर से किसी ना किसी मुसीबत में है। नमन के बाहर निकलते ही तमन्ना ने नमन से पूछा, नमन तुम ठीक तो हो ना। लेकिन इस बार नमन ने तमन्ना को कोई जवाब नहीं दिया। उसने गुस्से में अपनी गीली शर्ट उतार कर फेंक दी और धड़धड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर गया। तमन्ना समझ गई थी कि नमन उससे गुस्सा है, इसीलिए उसने उस वक्त नमन को ज्यादा छेड़ा भी नहीं। वहीं जब उसने मामा जी को देखा तो उनके तेवर भी कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। तमन्ना रुआसी सी सूरत बनाकर बोली, क्या हुआ मामा जी, अब आप भी मुझसे गुस्सा है क्या। मामा जी ने साफ कहा, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ बेटा, बस ये सोच रहा हूँ कि तुम जिस तरह की बेवकूफी कर रही हो उससे तुम्हारा प्लान कब तक टिका रहेगा। तुम जब तक चिराग के घर में थी तब तक तो काफी सीरियस थी, लेकिन जब से ये नमन तुम्हारी जिंदगी में दोबारा आया है, मैं देख रहा हूँ कि तुम लगातार अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने में लगी हुई हो। तमन्ना मामा जी की बात सुनकर बिल्कुल सहम गई। क्या तमन्ना मामा जी की बात पर गौर करेगी, आखिर रूही कैसे निकालेगी तमन्ना को चिराग की जिंदगी से। आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंधाधुन इश्क, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
तमन्ना जब नमन से छत पर बातें कर रही थी तभी चिराग की नींद खुल गई। वो तमन्ना को ढूंढते ढूंढते छत पर पहुंचा तो नमन अचानक से छिप गया। तमन्ना ने नींद ना आने का बहाना दिया, चिराग भी उसके साथ ही हो लिया। कुछ ही देर बाद पानी की टंकी से कुछ टकराने की आवाज आई। तमन्ना समझ गई कि हो ना हो नमन यही छिपा है। चिराग की आवाज सुनते ही टंकी के पास देखने के लिए गया। तमन्ना का दिल बैठा जा रहा था लेकिन चिराग था कि सुनने को तैयार ही नहीं था। आखिर वो जब टंकी के पास बिल्कुल उसका ढक्कन खोलने लगा तो अचानक मामा जी आकर बोले कि सिम्बा नीचे कमरे में रो रहा है। ये सुनकर चिराग सब छोड़कर नीचे की तरफ भागा। अगले दिन सुबह सब नाश्ते के टेबल पर बैठे हुए थे सिवाय रूही के। थोड़ी ही देर बाद रूही भी वहां पहुंची तो चिराग और नमन के बीच की जो एक कुर्सी खाली थी ठीक वहां जाकर बैठ गई। चिराग उसे नजर उठाकर देखने लगा। रूही ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? चिराग ने बड़े ही ठंडे अंदाज में कहा, कुछ नहीं। रूही ने जानबूझकर उसे छेड़ते हुए कहा, नहीं अगर इतनी ही दिक्कत है तो मैं कहीं और बैठ जाती हूँ। चिराग ने चिढ़कर कहा, जबरदस्ती बात को बढ़ाओ मत, जब मैंने कह दिया कि कोई बात नहीं है तो नहीं है। रूही को इग्नोर करके चिराग ने जानबूझकर कहा, तमन्ना जरा वो इडली पास करना। तमन्ना ने इडली पास कर दी। इधर तमन्ना ने चिराग को इडली पास की तो उधर नमन ने रूही के प्लेट में आलू के पराठे दे दिए। आई नो तुम्हें आलू के पराठे बहुत पसंद है। नमन की बात सुनकर चिराग के कलेजे में तो जैसे आग सी लग गई थी। उसने चिड़े हुए टोन में कहा, तुम्हें बहुत पता है कि रूही को आलू के पराठे पसंद है। नमन ने बड़े आराम से जवाब दिया, क्यों नहीं पता होना चाहिए? पार्टनर्स को तो एक दूसरे के लाइक्स डिसलाइक्स पता होते ही हैं। नमन का ये जवाब सुनकर चिराग बिल्कुल शांत होकर उसे घूरने लगा। लेकिन तभी रूही ने आगे कहा, अब तमन्ना को ही देख लो ना नमन, उसे भी तो चिराग की सारी लाइक्स और डिसलाइक्स पता होंगी ही। क्यों तमन्ना, चलो अब तुम चिराग को प्रूफ कर ही दो कि नमन जो कह रहा है सही कह रहा है। तमन्ना भौंएं चढ़ाकर रूही को देखने लगी। रूही ने एकदम से पूछ लिया, बताओ चिराग का फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है? तमन्ना तुरंत से इधर उधर देखने लगी और चिराग तमन्ना को देखने लगा। रूही अंदर ही अंदर हंस रही थी क्योंकि तमन्ना जवाब के बजाय उल्लुओं की तरह बस आंखें ऊपर नीचे करके सोचने की एक्टिंग कर रही थी। कुछ देर रुकने के बाद रूही पराठे की एक बाइट लेते हुए बोली, इंडिया में पॉन्डिचेरी और विदेश में बार्सिलोना। चिराग रूही का जवाब सुनकर बिल्कुल गौर से उसे देखने लगा। तमन्ना बस भौहें चढ़ाए वही अपना खून खौलाती रही। रूही ने दूसरा सवाल किया, अच्छा चलो ये बताओ कि चिराग को कौन सी सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है? तमन्ना ने तुरंत कहा, बैंगन, और बोलकर मुस्कुराने लगी। चिराग भी तमन्ना को देखकर एक हल्का सा स्माइल कर ही रहा था कि तभी रूही ने कहा, हाँ सही है पर पूरा नहीं। चिराग को बैंगन की सब्जी पसंद नहीं है पर बैंगन की करारी भाजी वो खा लेता है, लेकिन जो सब्जी उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती वो है शलगम। रूही के मुंह से शलगम सुनते ही चिराग रूही को देखता रह गया। पता नहीं शायद उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रूही उसकी पसंद नापसंद को इतनी डिटेल्स के साथ कैसे जान सकती है, और जानती भी है तो अब तक याद कैसे है। रूही ने तीसरा सवाल किया, अच्छा ये बताओ चिराग के प्लैटिनम कार्ड का आखिरी 3 नंबर क्या है? तमन्ना ने एकदम फटाक से कहा, 258, और बोलकर इतराने लगी। तभी रूही ने उसे देखकर कहा, अरे वाह लगता है सारा ध्यान तुम्हारा चिराग के पैसों पर ही है, तभी तो तुम्हें बाकी चीजों का कुछ अता पता नहीं है। क्यों तमन्ना सही कह रही हूँ या नहीं? तमन्ना बिल्कुल चिढ़ चुकी थी। वो छटपटा कर अपनी कुर्सी से उठी और झल्लाते हुए चिराग को बोला, चिराग ये लड़की कब से तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी को नीचा दिखाई जा रही है और तुम बैठकर तमाशा देख रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें भी इन सब में मजा आ रहा है? चिराग एकदम से तमन्ना की बात पर गौर करते हुए बोला, नहीं तमन्ना तुम पागल हो क्या, मुझे क्यों मजा आएगा, बीवी हो तुम मेरी। फिर भी तमन्ना ने गुस्से में ही कहा, नहीं जिस तरह से तुम अपने मुंह में दही जमा कर बैठे थे उससे तो यही लग रहा था कि तुम्हें भी मेरी बेइज्जती देखने में मजा आ रहा है, क्योंकि हो सकता है ना कि पहली बीवी के सामने आ जाने से तुम्हारे दिल में पुराना प्यार जाग गया हो। चिराग बिल्कुल भौचक्का होकर तमन्ना की ये सारी बकवास सुन रहा था।
उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि तमन्ना आखिर फालतू की इतनी बहस क्यों कर रही है। खैर जो भी है, रूही तो सर नीचे किए अपने आलू के पराठे चट किए जा रही थी और अंदर ही अंदर इनकी लड़ाई देखकर हंसे जा रही थी। अब आएगा ना मजा, मेरी बहन होकर मेरे घर में आई थी ना तुम और सौतन बनकर रुक गई। मैं भी यहाँ तुम्हारा सुकून बनकर आई हूँ, लेकिन तुम्हारी तबाही बनकर रुक जाऊंगी। बहुत खेल खेल लिया तुमने, अब तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हुए तमन्ना। अब तुम देखना कैसे धीरे धीरे करके मैं तुम्हारी और तुम्हारे सारे प्लान्स की धज्जियां उड़ाती हूँ। तमन्ना बिल्कुल चिराग पर चढ़ गई थी। नहीं चिराग, तुम भी बताओ, क्या मैं सिम्बा का ख्याल नहीं रखती? क्या सारा का सारा दिन मेरा निकल नहीं जाता उसका दूध, उसकी सुसु पॉटी, ये सब करते करते? अब ऐसे में मैं तुम्हारी पसंद नापसंद का ख्याल कैसे रखूं? तुम बताओ मुझे, तुम खुद बताओ कि पहले मैं एक अच्छी बीवी बनूं या एक अच्छी माँ? तुम ही बता दो ताकि मुझे गैरों के सामने ऐसे बेइज्जत ना होना पड़े। तमन्ना को ऐसा परेशान देखकर चिराग भी परेशान हो गया। उसे अंदर ही अंदर उसके लिए बुरा लगने लगा कि शायद रूही ने उसके साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर दी और वो चुप रहा। उसने तमन्ना को प्यार से पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहा। तभी किसी ने डोरबेल बजाया। नौकर ने दरवाजा खोला तो बाहर इंस्पेक्टर खड़ा था। अब पुलिस को अपने घर में देखकर कौन नहीं घबरा था। बस यही हाल वहाँ भी सबका था। सबका ध्यान पुलिस वाले पर ही आ गया। चिराग ने करीब आकर पूछा, इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ? हाँ मिस्टर चिराग, मैं पहले आपके बंगले पर ही गया था, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि आप लोग सब यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, तो मैं इसी रास्ते से जा रहा था तो सोचा आपको उन गहनों की चोरी को लेकर एक नई इन्फॉर्मेशन दे दूँ। हाँ हाँ बताइए, मिल गए वो गहने? नहीं, गहने तो अभी नहीं मिले हैं, लेकिन लगता है जल्द ही मिल जाएंगे। क्यों, आपको पता चल गया कि चोर कौन है? इंस्पेक्टर नजर घुमाकर देखने लगा। चिराग ने पूछा, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आपको पता चल गया क्या? मैं अभी 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 95% मुझे यकीन है कि ये काम किसका है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो इंसान अभी यहीं मौजूद है। चिराग ये बात सुनकर बिल्कुल हैरान हो गया। साथ ही तमन्ना के चेहरे की भी हवाइयां उड़ चुकी थी। नमन और रूही भी थोड़े से घबराए हुए थे। आखिर जिस तरह से ही सही, लेकिन गहने थे तो उनके पास ही। चिराग ने हड़बड़ाते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब कौन है वो जिसने ये ओछी हरकत की है, प्लीज मुझे बताइए। चिराग का ये कहना था कि इंस्पेक्टर ने अपनी उंगली उठानी शुरू कर दी। सबके मन में ये सस्पेंस चल रहा था कि आखिर वो इंस्पेक्टर किसके बारे में कह रहा है। माहौल बिल्कुल गंभीर हो चुका था और इसी गंभीर माहौल के बीच इंस्पेक्टर की आवाज आई, ये। चिराग ने इंस्पेक्टर की उंगली के सीध में देखा तो वहां तमन्ना खड़ी थी। तमन्ना को देखकर चिराग का माथा झन्ना गया। झन्नाता भी क्यों नहीं, जो तमन्ना अभी अभी अपने इतने कामकाजी और कारगर होने का सबूत दे रही थी कि उसने चिराग के घर को संभालने के लिए क्या क्या किया है, वो सारी भूमिका अब मिट्टी में मिल चुकी थी। वो जो अभी चिराग को लगातार 100 बातें सुना रही थी, उसका नाम चोरी में आ चुका था। चिराग कुछ पल तो बस खड़ा खड़ा तमन्ना को देखता रहा। तमन्ना वहीं दूर खड़ी खड़ी रोने जैसी शक्ल बनाने लगी। चिराग ने इंस्पेक्टर से पूछा, इंस्पेक्टर साहब आपको पूरा यकीन है कि वो तमन्ना ही है? इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ। इंस्पेक्टर के हाँ ने तो जैसे तमन्ना पर पहाड़ ही गिरा दिया था। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी और उसके साथ मामा जी भी घबरा कर पानी पानी हो रहे थे। बस अब कोई संतुष्ट था तो वो थे नमन और रूही। चिराग का तो जो हाल था वो तो वही जाने। इंस्पेक्टर ने आगे कहा, चिराग जी आपका जो लॉन वाला एरिया है जहाँ के दरवाजे से चोर घुसा है, वो एरिया एक CCTV के अंदर आता है। चिराग ने चौंक कर कहा, CCTV के अंदर है? लेकिन उस साइड तो CCTV कोई है ही नहीं, उधर एज सच जरूरत ही नहीं थी फिर। इंस्पेक्टर ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, उधर CCTV आपने नहीं लगवाया है, लेकिन अगर आपको याद है तो बाउंड्री के ठीक बाहर एक स्ट्रीट लाइट है, CCTV उसमें लगी है और उसके एक एंगल से आपका लॉन वाला एरिया कवर हो जाता है। अब समझे आप? चिराग ने सोचते हुए कहा, हाँ अब जब आप कह रहे हैं तो मुझे ध्यान आ रहा है। पुलिस वाले ने आगे कहा, उसी फुटेज में ये दिखा कि तमन्ना जी ने वहीं दीवार पर बने एक तख्ते पर कोई चाबी रखी और वहां से निकल गए। फिर थोड़ी ही देर बाद वो चोर लॉन एरिया में किसी तरह कूद कर आया
और वहां से वो चाबी उठा ली। अब मेरा कहना ये है कि उस चोर को क्या सपने में आ रहा था कि उसने अंदर आते ही वहां से वो चाबी उठा ली। इसका मतलब साफ है कि उसे किसी ने तो इन्फॉर्मेशन दी होगी इस चाबी के बारे में। पुलिस का एक्सप्लेनेशन सुनते ही चिराग का दिमाग खराब हो गया। होना ही था। वो गुस्से में तमन्ना के पास बढ़ने लगा। चिराग को अपनी तरफ आता देख तमन्ना थर थर कांपने लगी। वो उसे बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। वो उसके पास आकर बोला, तमन्ना क्या इंस्पेक्टर साहब सच बोल रहे हैं? क्या इस चोरी के पीछे तुम्हारा हाथ है? तमन्ना एकदम से रोने लगी। चिराग तुम्हें क्या मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है कि तुम मुझ पर यूं इल्जाम लगा रहे हो? चिराग चुपचाप उसे देखता रहा। तमन्ना ने कहा, पहले पूछो इंस्पेक्टर साहब से कि जो ये बोल रहे हैं उसका सबूत कहाँ है इनके पास। चिराग ने सीधा इंस्पेक्टर को बोला, इंस्पेक्टर सबूत दिखाइए। इंस्पेक्टर ने कहा, सबूत तो अभी मेरे पास नहीं है लेकिन जल्द ही होगा मेरे पास। मैंने हवलदार को बोल दिया है, वो सीसीटीवी की फुटेज निकाल कर यहीं आता होगा। इंस्पेक्टर की बात सुनकर सब उस सबूत का इंतजार करने लगे। तमन्ना तो बार बार कुछ ना कुछ बोलकर चिराग को अपनी सफाइयां पेश करती रही लेकिन चिराग ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो बस सबूत का ही इंतजार कर रहा था। कुछ देर होने के बाद भी जब हवलदार नहीं पहुंचा तो इंस्पेक्टर ने उसे कॉल किया। हाँ भुवन, कहाँ पहुँचा? सर रास्ते में ही, बस पहुँचने ही वाला हूँ। इंस्पेक्टर ने पूछा, सबूत तो संभाल कर रखा है ना? हाँ हाँ, सबूत को क्या होना है, वो तो मेरे पास ही है, बिल्कुल सुरक्षित, बस 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। हाँ ठीक है ठीक है। बातचीत के बाद सब हवलदार का इंतजार करने लगे। रूही और नमन तो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि आज तमन्ना को फाइनली कोई नहीं बचा सकता। आखिर सरकारी सबूत को तो चिराग नहीं झुटला सकता था। थोड़ी ही देर बाद आखिरकार हवलदार सबूत लेकर चला आया। ये लीजिए सर, ये रही वो सीसीटीवी की फुटेज, अब इसे चलाओ कहाँ? इंस्पेक्टर ने वो पेन ड्राइव हवलदार से लिया और चिराग को पकड़ा दिया। ये लीजिए मिस्टर चिराग, आपका सबूत। चिराग ने उस पेन ड्राइव को लिया और उसे टीवी से कनेक्ट कर दिया। तमन्ना बिल्कुल कुड़कर मामा जी की तरफ देख रही थी, जैसे वो मामा जी से कोई मदद मांग रही हो कि उसे बचा ले। लेकिन तब तक तो सारा सेटअप हो चुका था। क्या तमन्ना का इस घर में ये आखिरी दिन था? क्या फिर से एक हो जाएंगे चिराग और रूही? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंधाधुन इश्क सिर्फ पॉकेट एफएम पर।